डियर चिल्ड्रन वेलकम टू ऑल इन इंग्लिश क्लास एज वी लर्न अबाउट द मूड्स ऑफ ए वर्ब इन प्रीवियस लेक्चर टुडे वी लर्न अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स डियर चिल्ड्रन यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द नाउन प्यारे बच्चों संज्ञा के बारे में आपको बहुत कुछ पता है पिछली क्लासों में भी आपने संज्ञा मतलब नाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा परंतु आज हम इसके प्रकार और इसको प्रयोग करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे लेट स्टार्ट वट इज नाउन नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेस द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग नाउन स्पीच का वो पार्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति के स्थान के और वस्तु के नाम का पता चलता है यह व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराता है इट कैन ऑल्सो नेम क्वालिटी एंड आइडिया एंड इमोशन मटेरियल्स एंड ए स्टेट यह क्वालिटी के सोच का इमोशंस का मटेरियल का और स्थिति के नाम का भी बोध कराता है लेट्स टेक एन एग्जांपल। साहिल इज प्लेइंग हियर साहिल इज नेम ऑफ पर्सन सो इट इज ए नाउ अ बॉयस अ काउ Here, boy and cow is a noun. The poet was our host. I live in Shimla. Here, the words that is Sahil, boy, cow, poet, host, and Shimla in the sentences are nouns because these are a name of a person, place, or a thing. Now, let's start about its kinds there are basically five kinds of noun first one is proper noun second one common noun third one material noun fourth one collective noun and last one abstract noun dear children today we learn about its kinds in details let's start with first kind that is proper noun what is proper noun इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑर ए थिंग जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तब हमें तब उसको हमें प्रॉपर नाम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मोहन इंडिया ताजमहल गंगा दीज आर पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑर थिंग देर फोर वी कॉल्ड दीज वर्ड्स एज ए

बल्कि एक क्लास के नाम को दर्शाया जाता है जैसे बॉय बॉय मे वी या मोहन मे वी या सोहन मे वी या साहिल ऑल आर बॉयज दीज आर नॉट ए दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक नेम दिस इज अ कॉमन नेम सिमिलरली टेबल सिमिलरली एप्पल सिमिलरली टीचर एंड सिमिलरली स्कूल ऑल दीज आर कॉमन नाउन नाउ थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज मटीरियल नाउन

और जब हम मटीरियल नाउन का नाम लेते हैं या प्रयोग करते हैं बच्चों वाक्य में तो हम उसे एज अ सिंगुलर ही यूज करते हैं कभी आयरन्स नहीं होता कभी वुड्स नहीं होता कभी मिलक्स नहीं बोलते हम सिंपल हम क्या करते हैं आयरन वुड और मिलक ही लिखेंगे इन प्लूरल फॉर्म में भी ये इसमें ध्यान देने वाली बात है नाउ फोर्थ इज कलेक्टिव नाउ इट डिनोट्स कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सनस एनिमल्स और थिंग्स टेकन टूगेदर एज ए होल जब किसी के ग्रुप किसी ग्रुप या झुंड को हम कमाइंड में बुलाते हैं तो उस नाम को हम क्लेक्टिव नाम से बताते हैं फॉर एग्जाम्पल शीप गैंग आर्मी क्राउड टीम क्लास दीज ऑल आर कलेक्टिव नाम्स बिकॉज दीज आर ग्रुप ऑफ पर्सन और एनिमल्स नाउ द लास्ट वन इज एब्सट्रैक्ट नाउ बच्चों पिछली क्लासों में आपने कंक्रीट शब्द के बारे में सुना होगा अब हम एक्स्ट्रेक्ट नाम के बारे में भी हम बात करेंगे एबस्ट्रेक्ट नाउन इट डिनोर्स द नेम ऑफ क्वालिटी एंड एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग ये जो हमें क्वालिटी के नाम को या हमारे एक्शन के के बारे में या हमारे स्टेट स्थिति के बारे में दर्शाता है के बारे में बोध कराता है इस प्रकार के वर्ड जैसे ऑनेस्टी फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी हीट कोल्ड ब्रेवरी पॉवर्टी एक्सेट्रा डियर चिल्ड्रन वी कैन फॉर्म द नाउंस बाय एडिंग सच नेस एज मेंट लास्ट में टीएथ लगेगा जी या टी आई ओ एन लगा के हम एब्रेक्ट नाउन भी बना सकते हैं जैसे हैप्पी हैप्पी शब्द खुशी होता है मगर उसको अगर नाउन में बदलना हो तो हम क्या लिखते हैं हैप्पीनेस हमें क्योंकि हैप्पीनेस जो है नेम ऑफ क्वालिटी बता रहे हैं उसकी खुशी की इसी तरह शॉर्ट एक सिंपल uh, uh, वो हमारे पास एडजेक्टिव है शॉर्ट मगर उसको अगर नाउन में बदलना है तो शॉर्ट एज एज लगाएंगे ऐसे ही है अपॉइंट तो अगर हम उसमें मेंट लगा देते तो अपॉइंटमेंट बन जाता है और वो एब्रेक्ट नाउन बन जाता है ग्रो ग्रो को अगर नाउन में बदलना हो तो ग्रोथ बन जाता है कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट को नाउन में बदलेंगे तो कंस्ट्रक्शन बन जाएगा इस प्रकार हम शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी बदल सकते हैं बाय एडिंग द स्पेक्स डियर चिल्ड्रन देयर आर टू मोर कैटेगरीज ऑफ द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग दैट इज काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन कुछ शब्द संज्ञा शब्द जो है हमारे काउंट किए जा सकते हैं और कुछ को हम काउंट नहीं कर सकते हालांकि वो भी संज्ञा शब्द ही हैं तो जैसा कि इसमें नाम है उसी तरह इनकी परिभाषाएं भी बनती हैं वट इज काउंटेबल नाउन दीज आर दोज दोच कैन बी काउंट जो शब्द संज्ञा शब्द को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं और प्यारे बच्चों सिंगुलर पिलर हमेशा काउंटेबल नाउन के ही होते हैं फॉर एग्जाम्पल कप्स बैग्स बॉयज गर्ल्स एक्सेट्रा दीज आर

इस कैटेगरी में कौन कौन से काइंड आते हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन कम्स अंडर दिस कैटेगरी प्यारे बच्चों मैंने मटीरियल नाउन बताते हुए भी बताया था कि वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि वो नॉन काउंटेबल नाउन के अंडर आता है तो आपको पता लग गया होगा कि काउंटेबल नाउन के हमेशा सिंगुलर प्लूरल होते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन के हमेशा सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते हैं. वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं so, dear children, this is all about noun and its kinds and further its categories. hope you are understand all these. dear children, there is also a worksheet along with this video attached. kindly solve the question in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic that is noun and its kind. thank you. be happy and safe.